नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आप लोगों से बीएससी फर्स्ट ईयर होम साइंस के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डायनेमिक्स पेपर के पहले यूनिट के टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या वंशानुक्रम वातावरण विषय पर आपसे चर्चा करूँगी या इसके विषय में आपको बताऊँगी। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हम किसे कहते हैं? वंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य माता पिता से बच्चों में आने वाले या बच्चों में आने वाले जो भी गुण हैं, उन गुणों जो गुण हस्तांतरित होते हैं उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई भी बालक या व्यक्ति जो है उसमें जितनी भी गुण या क्षमताएँ या योग्यताएँ होती हैं वो बहुत सारी वो अपने वंशानुक्रम से, अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हासिल करता है या उसे प्राप्त होती है। और यदि वो इस प्रकार से जितनी भी वो चीज़ें गुण या विशेषताएं वो प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। रुथ एंड बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम से तात्पर्य वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, या दूसरा जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। इससे हमारा तात्पर्य कि जो भी माता पिता से उनके मानसिक या शारीरिक गुण उनके बच्चों में आते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब ये आता है कि वंशानुक्रम का जो हस्तांतरण है या ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी वो किस प्रकार से होती है। वंशानुक्रम का हस्तांतरण गर्भाधान के समय जब अंडाणु में प्रवेश करता है उसी समय उसका निर्धारण हो जाता है, या जायगोट के निर्माण के समय ही किसी भी बालक के या किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम का निर्धारण उसी समय हो जाता है। यदि मान लीजिए जो जायगोट निर्मित हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसी समय हो जाता है। साथ ही साथ जो स्पर्म और ओवम माता और पिता से जो प्राप्त होते हैं उन दोनों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। उन 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में से 23 माता से लेता है वह और 23 ही वह अपने पिता से प्राप्त करता है। उसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम्स व्यवस्थित होते हैं, परंतु एक जोड़ा जो क्रोमोसोम्स का होता है वह अलग प्रकार का होता है, या जिसे इसे लिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, यदि पुरुष में या लड़के, यदि लड़का होने वाली संतान लड़का है तो उसमें जो क्रोमोसोम है ये वो एक्स वाई होगा, और यदि होने वाली संतान लड़की है या फीमेल है तो उसका जो क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स एक्स होंगे। और इसका निर्धारण गर्भाधान के समय या फर्टिलाइजेशन के समय में ही हो जाता है और उसको बाद में कोई भी परिवर्तन होना संभव नहीं होता है। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं, या जिसे हम डीएनए कहते हैं या उसको डीऑक्सीराइबोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। और ये जो डीएनए है, इन डीएनए के माध्यम से ही हमारे जो भी क्रोमोसोम्स हैं या जो भी बच्चों में माता पिता के जो गुण हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि माता पिता की आँखें भूरी हैं तो बच्चों की भी आँखें भूरी होंगी। पर इसमें भी हम कई बार ये देखते हैं कि माता पिता की आँखों में, यदि माता पिता दोनों की आँखें भूरी हैं तो बच्चे की आँखें भूरी होंगी। पर यदि कई बार हम ये भी देखते हैं कि माता पिता की आँखें, तो माता की आँख भूरी है और पिता की आँख काली है, अब इसमें बच्चे को जो आँख होगी उसकी वो किस प्रकार की होगी, इसका निर्धारण होता तो गर्भाधान के समय या फर्टिलाइजेशन के समय है। परंतु जो भी हर गुण के या जितनी भी क्वालिटीज़ मनुष्य में पाई जाती हैं, हर क्वालिटी के गुण जो हैं उनके जीन्स जो है वो माता पिता दोनों से मिल रहे हैं। अब यदि मान लीजिए जो आँखों की रंग का जीन्स है जो माता और पिता से उस बच्चे को प्राप्त हो रहा है, वो होने वाला जीन्स जो है, यदि वो माता का जीन्स प्रबल है तो बच्चे की आँखें काली होंगी, और यदि पिता का जीन्स प्रबल है तो माता की आँखें, बच्चे की आँखें भूरी होंगी। मतलब फर्टिलाइजेशन के समय जो जीन्स ज़्यादा प्रबल होगा वही बच्चे को मिलेगा। बाद में हम सोचें कि बाद में उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और ये टोटली चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है। चांस फैक्टर मतलब उस समय जो चांस होगा, जो प्रबल होगा, उसके अनुसार बच्चे को जो है कहना चाहिए उसकी हेरिडिटी या वंशानुक्रम जो है वो उसको उस हिसाब से मिल जाते हैं। अब यदि मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि माता पिता दोनों ही होशियार हैं पर उनका बच्चा कई बार होशियार नहीं निकलता,
तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके पहले जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स में से किसी एक में इस प्रकार का हो, या कई बार जिस समय फर्टिलाइजेशन के समय में जो जीन्स मिलते हैं उस समय यदि माता का या पिता में से किसी एक का जीन्स जो बुद्धि का है वो कमजोर या कमजोर था और वही बच्चे को मिल गया, तो उस वजह से भी बालक का जो कहना चाहिए बुद्धि क्षमता है वो उसमें उस प्रकार की हो सकती है। अधिकतर हम एक ये तो कमजोर और प्रबल जीन्स की बात हुई, इसके अलावा कई बार हम ये देखते हैं कि माता पिता की जो भी संतानें हैं वो संतानें एक समान नहीं होती, दोनों ही प्रकार की जो संतानें हैं वो अलग अलग होती हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जब माता और पिता से मिलने वाले जो स्पर्म और ओवम है उनसे मिलकर के जो उनका यूनिट या जो उनका उस समय में कॉम्बिनेशन निर्मित होता है गुणसूत्रों का या क्रोमोसोम्स का, वो हर समय अलग अलग होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला जो बच्चा था उस समय उनके क्रोमोसोम्स का जो कॉम्बिनेशन था जैसा था वैसे दूसरी बार जो बच्चा जन्म ले रहा है या दूसरा बच्चा जो है उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन यदि अलग अलग हो जाएगा तो मिलने वाले जो जीन्स हैं वो भी बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्राप्त होंगे, और जब बच्चों को वो जीन्स अलग अलग प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से होने वाली बच्चों के जो गुण हैं वो भी अलग अलग होंगे, बच्चे समान नहीं होंगे। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो जुड़वा बच्चे होते हैं। अब जुड़वा बच्चे जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जुड़वा होते हैं जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, दूसरे होते हैं फैटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स से मतलब है कि ऐसे बच्चे जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट निर्मित होता है, जायगोट बनने के बाद या युक्ता बनने के बाद वह किन्हीं कारणों से दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो उस समय जो दो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, या उसको अविभाजित जुड़वा कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं जिसमें किसी कारणवश, वैसे सामान्यतः प्रत्येक समय में एक ही ओवम निर्मित होता है, पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो ओवम निकले और उस समय दो ओवम का फर्टिलाइजेशन अलग अलग स्पर्म से होगा, तो उससे जो दो जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे वो फैटर्नल ट्विन्स होंगे। अब यदि ये जो फैटर्नल ट्विन्स हैं, फैटर्नल ट्विन्स का प्रकार जो है वो जैसे सामान्य दो बच्चे अलग अलग माता पिता के होते हैं उनकी हेरिडिटी वैसी होती है, पर जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी हेरिडिटी समान होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक सेल बनी, जायगोट बना और उसके बाद वो दो भागों में विभाजित हुआ, इसलिए उनकी हेरिडिटी जो है वो एक समान होती है। इसके अलावा अब आता है कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हम ये देखेंगे, तो उसमें वंशानुक्रम के नियमों को यदि हम जानना चाहें तो पहला है कि समान जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब जो भी वंशानुक्रम से मिल रहा है या जो भी वंशानुक्रम से बच्चों में आ रहा है उससे समान संतति को जन्म देता है। यदि जानवर जो भी है, गाय है तो गाय को जन्म देगी, भैंस है तो भैंस को देगी, मनुष्य है तो मनुष्य अपने, मतलब हर जीव जो है वो अपने ही समान संतति को या अपने ही समान प्रकार के जीव को जन्म देता है। दूसरा है सभी शील गुण ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी शील गुण हैं वो सारे के सारे शील गुण बच्चे में उसकी हेरिडिटी से ही उसको मिल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि मिलने वाले जो भी गुण हैं वो हेरिडिटी के अलावा बाद में वह सीख सकता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे गुण हमारे अंदर जो भी पाए जा रहे हैं और हम ये बोलकर चलें या हम ये मानकर चलें कि वो सारे के सारे वंशानुक्रम से ही मिले होंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगला है कि प्रत्येक अभिभावक से जो गुणों का हस्तांतरण हो रहा है वो बराबर होता है, बराबर अनुपात में। हाँ, ये निश्चित है कि कई बार ये लोग सोचकर चलते हैं समाज में या लोगों को ये लगता है कि जो होने वाली संतान है उसमें पिता के गुण ज़्यादा आएंगे, माता के गुण कम आएंगे, ऐसा नहीं होता है। माता और पिता दोनों के गुण बराबर मात्रा में बच्चे में आते हैं, 50-50% आते हैं। हाँ, अब 50-50% आने के बाद जब पिता से 50% मिल रहे हैं, माता से 50% मिल रहे हैं, अब पिता से जो 50% मिल रहे हैं वो 50% का भी 25% और 25% उसको अपने दादा दादी से मिलेगा, उसके भी पहले उसके परदादा परदादी से, मतलब इस प्रकार से बच्चे में जो ट्रांसमिशन है वो बराबर मात्रा में होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो पूर्व भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम से जो गुण मिल रहे हैं कई बार हम ये नहीं कह सकते एकदम से कि ये गुण मिलेगा, कितना मिलेगा, माता पिता से, माता पिता ऐसे हैं तो बच्चा उनका वैसा ही होगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। शील गुण प्रबल और कमजोर, अब उसमें ये है अगला नियम है कि शील गुण प्रबल और कमजोर भी हो सकते हैं। अब कोई
आवश्यक नहीं है कि जो माता पिता को मिलने वाले उसे गुण हैं वो हमेशा प्रबल गुण ही मिलेंगे, कमजोर गुण नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कभी प्रबल मिल सकते हैं, कभी कमजोर प्रकार के गुण भी मिल सकते हैं। इसके यह है वंशानुक्रम हुआ। अब हम देखेंगे कि वातावरण क्या होता है, क्योंकि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है, डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं उसके। इसलिए हम पहले देखेंगे वातावरण क्या है। अब वातावरण जो है, हम जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उसके आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो शारीरिक हो रही हो, मानसिक हो रही हो, पर्यावरणीय हो रही हो, भौतिक हो रही हो, जो भी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, उन सब का प्रभाव हम पर पड़ता है। पर यदि कोई भी क्रिया वातावरण में या कोई भी चीज़ें हो रही हैं और वो हमको जब तक प्रभावित नहीं करती, तब तक वो हमारे वातावरण में नहीं आती। जब वो हमें प्रभावित करेंगी तभी वो हमारे वातावरण में सम्मिलित होंगी। यदि वो चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर रही हैं तो वो हमारे वातावरण में सम्मिलित नहीं होंगी। वातावरण की परिभाषा, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के क्षण से प्रभावित किया। मतलब जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद से उसको जो भी चीज़ें, या माता के गर्भ में जब वो था उस समय जो भी चीज़ें उसको प्रभावित करना शुरू कर देती हैं वो उसके वातावरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वातावरण है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक वातावरण और एक होता है भौतिक वातावरण, सॉरी बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण वह वातावरण है जब बच्चा बालक माता के गर्भ में रहता है और उस समय उसको जो फैक्टर्स या जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे बच्चा माँ से रक्त के माध्यम से सारी चीज़ें खाना पीना सारी चीज़ ले रहा है, उस समय जो जो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वो उसका आंतरिक वातावरण है। और जन्म के पश्चात जो भी चीज़ें होती हैं, जन्म के से लेकर आगे जब भी जितनी भी चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी वो सारी उसके बाह्य वातावरण में आती हैं। इसके अलावा वातावरण को दो भागों में और बांटा गया है, एक कहलाता है भौतिक वातावरण और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण से हमारा तात्पर्य जो हमारी बाह्य भौतिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो हमें प्रभावित करती हैं, तो वो हमारा भौतिक वातावरण है। और जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे हमारे संवेग, आसपास के लोगों की संवेग, लोगों का व्यवहार, लोग किस प्रकार से बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत प्रभावित होती हैं। अब ये आता है कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अभी हमें ये देखना है कि वंशानुक्रम भी ये है, वातावरण ये है, पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम का प्रभाव। बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन लोगों का ये मानना है कि वंशानुक्रम का प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन परिवारों में बच्चे, ऐसे परिवार जो कई प्रतिष्ठित परिवार, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन गांधी परिवार को देखें, नेहरू परिवार को देखें, तो उनके यहाँ सब एक के बाद एक परिवार के सदस्य जितने भी हैं सब बौद्धिक क्षमताओं को अच्छी लेकर ले रहे हैं, या उनमें सभी में राजनैतिक क्षमताएं पाई जा रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव, क्योंकि वो लोग अपने हेरिडिटी से, अपने माता पिता से उस प्रकार के गुण लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कई अध्ययनों में देखा गया है कि जो भी चारित्रिक गुण हैं, जैसे एक प्रयोग किया गया था डगडेल के द्वारा, उन्होंने ये किया, देखा कि एक व्यक्ति ने, वो बहुत निम्न उसका व्यक्ति था बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक उसमें भी, और उसने एक वैसी ही प्रकार की महिला के साथ विवाह किया, तो उसके आने वाली जितनी भी संतानें हुई कई पीढ़ियों तक, वे सभी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली, किसी गलत कामों में लिप्त होने वाली, कई लोग जेल गए, आपराधिक प्रवृत्तियाँ हुई। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की चीज़ें, ऐसे ही एक प्रयोग किया गया था जिस प्रयोग में एक सैनिक था जिसने शादी के अपने जब जहाँ वो युद्ध के मैदान में लड़ने गया था, उसके पहले जो उसकी पत्नी थी वो बहुत अच्छी सुसंस्कृत सुशील पत्नी के साथ विवाह किया, उससे होने वाली उसकी संतानें थी वो बहुत अच्छी हुई। पर बाद में जब वो युद्ध के मैदान में वहाँ गया था, वहाँ क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहा, तो वहाँ पर उसका एक ऐसे ही महिला के साथ संपर्क स्थापित हुआ, और उससे होने वाली उसकी जितनी भी संतानें थी वो संतानें सभी अच्छी नहीं निकली। कहने का मतलब यह है कि वंशानुक्रम जैसा प्राप्त होता है बच्चे को, वैसा ही उसको मिलता है। इसके अलावा वातावरण के ऊपर भी बहुत से प्रयोग किए गए, जैसे बहुत से लोगों का ये मानना है, जैसे दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनको मिलने वाली जो हेरिडिटी है वो एक समान है, पर यदि उन आइडेंटिकल ट्विंस को भी अलग अलग वातावरण में रख दिया जाए तो बड़े होने के बाद उनकी जो पर्सनालिटी है या उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म का उनको हेरिडिटी तो समान मिली थी, परंतु क्योंकि उनको वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार का मिला, तो आगे होने, बड़े होने के पश्चात या आगे आकर के उनका जो व्यक्तित्व था वो अलग प्रकार से निर्मित हुआ। ये कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।
जैसे अपन एक सामान्यतः मोगली की एक कहानी या वन सीरियल देखते थे, उसमें अपन ने ये देखा था कि वो बच्चा जो था वो भेड़ियों के बीच में पला बढ़ा, तो उसमें जो क्रियाएं थी या जो क्रियाएं कर रहा था वो उसी समान थी, जबकि उसको करना क्या चाहिए था, मनुष्य के समान व्यवहार। परंतु फिर भी एक लखनऊ में इसी प्रकार का एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग के अनुसार एक बच्चा था, उसको पहले जान भेड़िए वगैरह उठा कर ले गए, तो उसमें भेड़ियों के समान व्यवहार कर रहा, अपने दोनों हाथ और पैर एक साथ वो चलता था जानवरों की तरह। बाद में उसको ला करके काफ़ी समय के बाद उसको ला करके सामान्य लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में रखा गया और उसको अच्छा वातावरण दिया गया, तो ये देखा गया कि बच्चे का जो वातावरण प्रभाव है वो बदल करके मनुष्य के समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में मनुष्यानुक्रम वातावरण दोनों का। इसी के लिए टीपी नन नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उनका ये कहना है कि जैसे हम मान लीजिए खेती उपज करते हैं, तो हम यदि मान लीजिए बहुत अच्छे प्रकार का बीज ले और अच्छा बीज लेकर के बंजर जमीन में डाल दें, तो उससे होने वाली जो उपज है वो अच्छी या पैदावार जो है वो अच्छी नहीं होगी। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए हम बीज घुन वाला बीज ले लें, खराब बीज ले लें और बहुत अच्छा पानी खाद सब कुछ दें, तो भी पौधा उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा। उसी प्रकार से मनुष्य भी है, यदि उसको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अच्छे प्रकार का मिलता है, अच्छी तरह से मिलता है, तो बालक का विकास जो है या बालक का व्यक्तित्व जो है वो अच्छा विकसित होगा। परंतु यदि वो खराब मिल रहा है तो नहीं। उसी प्रकार से जैसा हम कहते हैं ना, जैसा माली जिस प्रकार से बीज डालेगा, पौधे खाद पानी सब देगा, बीज देगा, वैसा ही पौधा जन्म लेगा। उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी है, यदि उसको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों समान रूप से प्रभावित करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक ज़्यादा है या एक कम है, दोनों का प्रभाव समान रूप से पड़ता है, जितना वंशानुक्रम का पड़ता है उतना ही वातावरण का पड़ता है। इसके लिए वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगफल के बराबर नहीं है, पर निश्चित ही वह वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल के बराबर है। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के विकास को बराबर रूप से प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के पूरक भी है। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको वंशानुक्रम अच्छा नहीं मिला, पर यदि हम उसे चाहें तो अच्छा वातावरण देकर, अच्छी परिस्थितियां देकर हम उस बालक का सही दिशा में सही प्रकार से विकास करके उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से, और यदि वैसे ही यदि मान लीजिए बच्चे को वंशानुक्रम तो मिला अच्छा, और वातावरण अच्छा दे करके भी हम और अच्छा कर सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि वंशानुक्रम बहुत अच्छा मिल गया, वातावरण नहीं मिल रहा है, तो भी नुकसान होगा, पर हम फिर भी उसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें बराबर मिलें, जिससे हम बालक का समान रूप से विकास करें। इसके साथ ही यहाँ ही चैप्टर समाप्त हो रहा। नमस्कार।